नहीं भैया, चौकीदार तो चोर है, वो तो है, मगर यहां ओडिशा में भी खूब चोरी हो रही है। मतलब उधर चौकीदार और इधर चिटफंड स्कैम। और भैया एक और बड़ी अच्छी चीज हुई है यहां पे, जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो यहां आपके चीफ मिनिस्टर ने किया है, चीफ मिनिस्टर ने जो चिट फंड स्कैम किया, उनके मंत्रियों ने जो किया, उसके कारण ओडिशा का रिमोट कंट्रोल हिंदुस्तान के भ्रष्ट चौकीदार के हाथ में है। जब वो बटन दबाते हैं, नवीन पटनायक उठते हैं, जब वो बटन दबाते हैं, नवीन पटनायक बैठ जाते हैं। पार्लियामेंट हाउस में कोई बिल पास करने की जरूरत होती है, चौकीदार बटन दबाता है, नवीन पटनायक जी बिल पास करते हैं। नोटबंदी होती है, पूरा देश नरेंद्र मोदी की ओर देखता है, कहता है बड़ी, इससे बड़ी बेवकूफी नहीं की जा सकती। छोटे बिजनेसेस को नष्ट किया जाता है, दुकानदारों की जिंदगी बर्बाद की जाती है। नवीन पटनायक सोचते हैं कि भैया यह तो बहुत गलत काम किया, चौकीदार बटन दबाता है, नवीन पटनायक कहते हैं भैया बहुत अच्छा किया। गब्बर सिंह टैक्स आता है, पांच अलग अलग टैक्स आते हैं, भ्रष्टाचार बढ़ता है, चौकीदार बटन दबाता है, नवीन पटनायक जी कहते हैं बहुत अच्छा है भैया जीएसटी, इससे अच्छा काम नहीं हुआ।